गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की इसी सीरीज में वीकली एमसीक्यूज लेकर आई हूं, जो कि हमने वन वीक में क्वेश्चंस किए हैं उसके लिए 85 एमसीक्यूज की सीरीज मैं यहां पर लेकर आई हूं। जो पर डे डेली करंट अफेयर नहीं देख पाया है तो उसके लिए एक वीक की करंट अफेयर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग चलिए देखिए वन वीक की करंट अफेयर, और पर डे की करंट अफेयर देखना मत भूलिएगा, जो कि मैं डेली के डेली अपलोड करती हूँ इस चैनल पे। प्लस मेंस की सीरीज़ यहाँ पर चलाई जा रही है, तो उसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का जो करंट अफेयर है वो है 22 से 29 मई 2020 तक का, तो इसके लिए 85 MCQs हैं इसमें। तो आप इसकी तैयारी, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ 85 MCQs 22 से 29 मई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने हाल ही में, जो कि मई 2020 में, तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से छात्रों तक शिक्षा की पहुंच के लिए समागम शिक्षा कार्यक्रम के तहत उपाय शुरू किए। मतलब आप लोगों को पता है आजकल लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो समागम शिक्षा कार्यक्रम, इसके तहत बहुत सारे इससे रिलेटेड और इसी के जैसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे सरकारों ने चलाए हैं। तो ये समागम शिक्षा कार्यक्रम ये किसने चलाया है, ये आप लोगों को बताना है। पंजाब ने, उड़ीसा ने, जम्मू कश्मीर या पांडिचेरी ने। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, बाकी मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर ने। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें कोविड-19 जो इसके लॉकडाउन चल रहा है, जिसके तहत उसके मद्देनज़र तकनीकी हस्तक्षेप और अन्य व्यवहार साधनों के माध्यम से शिक्षा के लिए पूर्ण पहुंच के साथ छात्रों की सुविधा के लिए समागम शिक्षा कार्यक्रम के तहत उपायों की एक शुरुआत की गई है। मतलब उसी के माध्यम से शिक्षा बच्चों तक पहुँचाई जाएगी। समागम शिक्षा कार्यक्रम ये जम्मू कश्मीर का कार्यक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उत्तर प्रदेश से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य विधानसभा में 5.12 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। तो यूपी का सीएम कौन है? चलिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है। लेकिन इससे जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में देख लेते हैं। वित्त मंत्री जो है यूपी के, वो है सुरेश कुमार खन्ना, ये आप याद रखेंगे, जिसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश के यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट यहाँ पर पेश किया है, जो कि 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें अनुमान है, ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कितना राजस्व है कितना खर्चा है। तो यहाँ पर 5,558 करोड़ रुपए और 12,302 करोड़ रुपए की यहाँ कमी है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका राजस्व है, ये पूंजी रसीदें हैं, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है यूपी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसने नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है, जिसमें भारत के जो लिपू लेख है, काला पानी है, ओलंपिया धूरा है, इसको शामिल किया गया है। तो ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल? तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के मंत्रिमंडल ने लिपुलेख काला पानी और लिम्पिया धुरा को अपने क्षेत्र के तहत दिखाने वाला एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया है। भारत और नेपाल के बीच विवाद चल रहा है, जिसके बाद भारतीय पक्ष ने 2 नवंबर 2019 को अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जो भारतीय क्षेत्र में 3 क्षेत्र से ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ब्रिटेन से 2019 के अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये ब्रिटेन का पुरस्कार है, किसको सम्मानित किया गया है? तो अति विंशति, अक्षय कुमार, करमवीर सिंह और विनय वधावर। तो किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया है विनय वधवार को। भारत के नेशनल हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय वधवार को 2019 के अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पहली बार 2006 में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के एडमिरल्टी अलेक्जेंडर डेम्प्रिल से
के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर प्रस्तुत किया गया था, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के किस क्षेत्र ने रेलवे डॉक्टरों की सहायता के लिए रोबोट रेल बोट, जिसे आर बोट भी कहते हैं, विकसित किया है? दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे या पश्चिम रेलवे? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने COVID-19 के प्रकोप के मद्देनजर मरीजों की देखभाल के लिए रोगियों से भोजन बिना शारीरिक संपर्क की आवश्यकता के अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोट डिवाइस रेल बोट विकसित किया है। ये डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारियों को संक्रमण के जोखिम से दूर रखने में ये सक्षम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए भारत के पहले सर्विस रोबोट्स सोना 1.5 और सोना 0.5 विकसित किया है। यह सिग्मा डेटा, क्लब फर्स्ट, सोलुलाब या क्लिटेक? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है क्लब फर्स्ट। जयपुर जो स्थित कंपनी है 19 क्लब फर्स्ट ने COVID-19 संकट के बीच लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करने के लिए सोना 1.5 और सोना 0.5 नाम से पहला सर्विस रोबोट विकसित किया है। ये रोबोट 95% भारत में बना रीढ़ की तकनीक पर आधारित दुनिया में पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ICC क्रिकेट समिति का प्रमुख है जो, और इसने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। तो ये राहुल द्रविड़ है, कुमार संगकारा है, रिकी पॉन्टिंग है या अनिल कुंबले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अनिल कुंबले। पूर्वी जो भारतीय क्रिकेटर है कमेंटेटर अनिल कुंबले की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट समिति ने COVID-19 महामारी के कारण गेंद को चमकदार बनाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। हालांकि समिति ने गेंद चमक को पसीने के उपयोग को सुरक्षित माना है। चलिए आगे देखते हैं, उभयचरों की प्रजाति की संख्या क्या है जो भारत में प्राणी सर्वेक्षण द्वारा गंभीर रूप से लुप्त प्राय और लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है? मतलब गंभीर रूप से एक लुप्त प्राय है और सिंपल एक लुप्त प्राय है, ये हमें बताना है। तो इनकी संख्या है, ये है 20 और 25, मतलब गंभीर रूप से लुप्त प्राय 20 हैं और लुप्त प्राय जो है वो है 35। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारतीय उभयचरों की चेकलिस्ट को अद्यतन किया है जो कि 20 भारतीय प्रजातियों की सूची है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय है और 35 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो अपनी वेबसाइट पर लुप्त प्राय है। जो वैज्ञानिक KP दिनेश पुणे ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कालीकट से सी राधाकृष्णन के BH चेन्नई, शिवमूर्ति कालीकट, माउंटेन कार्मिक कॉलेज और बेंगलुरु से P दीपक और महेंदेई रिसर्च सेंटर गोवा के निर्देश कुलकर्णी हैं। ये आप याद यहाँ रख सकते हैं। वैसे तो ये नीचे वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी, उस देश का नाम बताइए जो दुनिया की आखिरी घुड़सवार सेना को नियमित बख्तरबंद रेजिमेंट में कन्वर्ट करने जा रहा है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या जापान? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। दुनिया के आखिरी बचे हुए घुड़सवार रेजिमेंट में से रेजिमेंट ये बंद होने वाला है। भारतीय सेना की एकमात्र घुड़सवार रेजिमेंट अपने घोड़ों को अलविदा कहने के लिए तैयार है। सरकार ने 61वीं कैवलरी को टैंकों से लैस करने के प्रस्ताव को मंजूर देते हुए दो वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर ये चीज़ कही। सबसे पहली खबर, आप लोग ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमें बताना है इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस, 10 जनवरी, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 मई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जैव विविधता दिवस को प्रकृति और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का उद्देश्य, ये आप मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे आप मेंस में ये आंसर राइटिंग लिख सकते हैं,
प्री का सॉरी इसमें हेडिंग डाल सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था 22 मई को, और इसका उद्देश्य ये था कि जो जैव विविधता में समृद्ध टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान करना, इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधि, पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके ना होने से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। तो ये मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ऐसे साथ के साथ प्री के साथ मेंस की भी तैयारी ऐसे ही करते चलिए, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ, नहीं तो ऑप्शनल क्वेश्चन करा के छोड़ दे, इससे कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों का। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो RBI ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने परसेंट की कटौती की घोषणा की है? तो RBI ने घोषणा की है 0.4% की कटौती की घोषणा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो रेपो रेट में 0.4% की कटौती का ऐलान किया है। पहले रेपो रेट 4.4 था, अब जो कि 4% हो गया है। कोरोना वायरस संबंधित उपायों से निपटने के लिए पिछले 2 महीने में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। RBI गवर्नर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 27 मार्च और दूसरी कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को की थी। ये इंपॉर्टेंट न्यूज, मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु कई उपायों की घोषणा भी की है। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आपसे पूछा है कि रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत 3.75% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया गया है? तो रिवर्स रेपो रेट कर दिया गया है 3.35%। ये देख लीजिए, बैंक जिस दर पर RBI के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये आपका मेंस का एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है यहाँ पर। रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने के अनुसंधानकर्ता ने अल्जाइमर की वजह से, अल्जाइमर एक रोग होता है, कि वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तकनीकें विकसित करने का दावा किया है? तो IIT गुवाहाटी ने ये दावा किया है। तो IIT गुवाहाटी ने अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। IIT गुवाहाटी के 4 सदस्यों वाली टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी फ्लू, जिसे सीजनल इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। तो ये किया है हरियाणा की राज्य सरकार ने। कोरोना वायरस के मामले दैनिक आधार पर लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं, वहीं मानसून के स्वाइन फ्लू की संभावना से हरियाणा सरकार के समक्ष एक कड़ू चुनौती हो गई है। और इस चुनौती के मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल है। तो ये सारे कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फन जो तूफान आया हुआ है, जो साइक्लोन अम्फान आया हुआ है, के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ का कोष गठित किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 1000 करोड़ के रुपए का फंड गठित किया है। और ये तूफान बहुत ही मतलब हाई लेवल पे आया है, 180 किलोमीटर की तो इसकी स्पीड थी। तो ये काफ़ी आप सोच सकते हैं कि कितनी हानि की होगी इस तूफान ने। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। कलकत्ता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफानों से जुड़ी घटनाओं में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने इस तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की थी। चलिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले बैंकिंग और किसी भी एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा, गोविंदा राजुलू चिटल्ला और प्रकाश महादेवा। तो इसका करेक्ट आंसर है गोविंदा राजुलू चिटल्ला। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजुलू चिटल्ला को, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति होती है वो करती है नाबार्ड के अध्यक्ष का गठन जो भी होता है, तो उसके राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति पद तक बने रहेंगे। वर्तमान में जो थे वो हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चीन, क्योंकि इस समय चीन और अमेरिका में थोड़े क्लैश चल रहे हैं, तो उसकी वजह से अमेरिका ने ये कदम उठाया है। तो सीनेट ने सर्वसम्मति से विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी और डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वैन हॉलन ने पेश किया था। इसके तहत कंपनियों को ये स्पष्ट करना होगा कि उनका स्वामित्व या नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। कंपनियों को ऑडिट जमा करना होगा जिसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटेंट ओवरसाइट बोर्ड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। अभी दो दिन पहले बीता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और चाय की खोज चाइना में ही की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने और इसके सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी गई थी। भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और ये सब जो देश हैं ये चाय उत्पादक हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो उत्पादकों साल में 15 दिसंबर को भी मनाया जाता रहा है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से एक तिहाई घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है 29 मई को, 25 मई को, 5 जून को या 1 जुलाई को। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 मई को। 25 मई को दोबारा से उड़ानें शुरू होंगी। मंत्रालय ने कहा कि हवाई किराए की न्यूनतम और अधिकतम सीमा वही निर्धारित करेगा और विमान कंपनियों को कोविड-19 की इस महामारी के दौर में इनका पालन करना होगा। उसने कहा कि शुरुआत वाले दिन 25 मई को सीमित परिचालन लगभग 1/3 की अनुमति होगी और मंत्रालय ने कहा यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुँचना पड़ेगा और वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? तो एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप से खोज की है। नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। विशाल बैलून की सहायता से एंटीना को महाद्वीप की ऊंचाई तक पहुंचाकर इस दूसरे ब्रह्मांड की खोज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सरकार ने किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिलिस्तीन। ये फिलिस्तीन यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र रिलीव एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता भी करेगी इसके लिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 मई को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैसे कि हमने देखा था 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 21 मई को चाय दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे ही 23 मई को हमारा मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। तो ये छोटे छोटे दिवस है, बाय चांस आपके एग्जाम में ये पूछे ही जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसे कराना ज़रूरी समझा। तो चलिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन।
विश्व भर में ये कछुओं के संरक्षण की ओर लोगों को आकर्षित करने एवं प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए ये 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा कछुआ भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा के तट पर सबसे ज़्यादा कछुआ पाए जाते हैं, गहीरमाथा जो तट है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 25 मई से घरेलू उड़ानों का दोबारा शुरू करने के लिए किसने मानक परिचालन जारी किया? मानक परिचालन का यह मतलब है कि नियम प्रक्रिया क्या होगी, वो कौन जारी करेगा। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्र सरकार, नीति आयोग या योजना आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है नियम कानून ये सब जारी करेगा। इसमें इसने कहा है एक जैसे इसके नियम है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है। इसका एक नियम यहाँ पे ये भी इसने रखा है। ऐसे ही बहुत सारे नियम कानून इसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग शुरू करने की घोषणा की है? इस महामारी के बीच भी किसने घोषणा की है, तो ये घोषणा की है जर्मनी के द्वारा। जर्मनी ने 29 मई से फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। जर्मन के क्लब अधिकारियों ने बैठक के में पहले ही सत्र दोबारा शुरू करने के पक्ष में मतदान दिया था। लीग शुरू करने के पक्ष में 12 और 11 12 में से 11 टीमों ने मतदान दिया था, तो इसलिए ये जर्मनी में पहली लीग शुरू हो रही है जो महामारी के बीच शुरू होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे UGC भी कहते हैं ने विश्वविद्यालयों को क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के लिए किस पोर्टल के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग करने का निर्देश दिया है, तो यह है स्वयं, तरंग, उमंग या परिश्रम। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वयं पोर्टल। UGC ने हाल ही में विश्वविद्यालय और कॉलेजों के क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने का निर्देश दिया है। UGC ने पोर्टल पर उपलब्ध 82 अंडर ग्रेजुएट और 42 स्नातकोत्तर गैर इंजीनियरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की एक सूची भी जारी की है। ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क पर UGC के हालिया नियमों के अनुसार छात्र मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए नामांकन कर सकते हैं और जुलाई 2020 से क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ग्रेजुएशन जो करने वाले हैं या अंडर ग्रेजुएशन में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में ने हाल ही में अपना ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? ओपन स्काई संधि है देशों के बीच, तो उससे अलग होने की घोषणा की है हमारे अमेरिका ने। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की है कि वह ओपन स्काई संधि से अलग हो जाएगा। 35 देशों की यह संधि सदस्यों के देशों पर निहत्थे निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। अमेरिकी प्रशासन ने यह भी रेखांकित किया कि रूस ने संधि की शर्तों का बार बार उल्लंघन भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। COVID-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ भागीदारी की है? तो यूनिसेफ ने भागीदारी की है एयरटेल अफ्रीका के साथ। यूनिसेफ ने एयरटेल अफ्रीका के साथ यहाँ भागीदारी की है COVID-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए। इस साझेदारी में उप सहारा अफ्रीका के निम्न 13 देश जाम्बिया, कॉन्गो, नाइजीरिया, गैबान, केनिया, मेडागास्कर, मलावी, नाइजर, रवांडा, तंजानिया, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और चार देश के बच्चों और परिवारों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। वर्तमान में एयरटेल अफ्रीका के CEO रघुनाथ मांडव और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरीटा H4 है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है? तो ये इम्पोर्टेंट खबर है। तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना का आरंभ हुआ है। इस योजना का जो लक्ष्य है वो COVID-19 महामारी के बीच राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है और इस योजना का प्रावधान 2020-21 के बजट में किया गया है। इस योजना से 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, ये भी आप याद रखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी स्टार्टअप फाउंड की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो यूपी से आपको पता चल ही गया होगा कि ये की गई है उत्तर प्रदेश राज्य में, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को।
इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी भी कहा जाता है, इसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और इनके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस मंत्री को किस मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है, मतलब कि सन सिटी बनाने की योजना की है। तो सन सिटी है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्थान को की है, तो या कोणार्क स्थान आएगा, और कोणार्क का सूर्य मंदिर अगर बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, तो केंद्र सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है। कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी विकसित करने के लिए योजना शुरू की गई। इस परियोजना में केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपए देगी। वर्तमान में उड़ीसा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री हैं नवीन। आज का पहला करंट अफेयर है, आईसीएमआर मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाइड्रोडॉक्सी क्लोरोक्लाइन के उपयोग पर क्या बदलाव किए हैं, तो क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं इसके को खरीदने के लिए। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्लाइन, ये जो गोली होती है, ये मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है और कोविड-19 में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें कहा गया है कि दवा केवल पंजीकृत मेडिकल पर्चे पर ही दी जाएगी, इसके अलावा ये दवा बेचना वर्जित कहा गया है, और आईसीएमआर ने अपनी नई गाइडलाइन में ये अनुदेश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 किसने पारित किया, तो ये पारित हुआ है लोकसभा में। इसकी डिटेल देख लेते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य कोयला खान अधिनियम 2015 के साथ खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। और आप लोगों को ये भी पता है कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 है, ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो ये वृद्धि की गई है 20% की, 20% की वृद्धि। वर्तमान में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा बड़ा उपभोक्ता है हरित ऊर्जा उपकरणों का, और हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट अलग से जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी हम लोग साथ में जीएस के तौर पे तैयार करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट जो डेज हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने किया था जैव विविधता दिवस 22 मई को, तो इसी तरह राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है 24 मई को। चलिए देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, तो इंग्लैंड की महारानी ने 1901 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल दिवस मनाने का जिक्र किया था। तो ये जीएस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कॉमनवेल्थ डे मनाने का जिक्र सबसे पहले किसने किया था, तो इंग्लैंड की महारानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है, तो ये शुरू की है राजस्थान सरकार ने। इसके डिस्क्रिप्शन में कि सशस्त्र सेनाओं के, इसका ऑप्शन यहाँ गलत डी दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन ए आएगा, राजस्थान सरकार ने। सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इन राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी। इन सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री, याद रखेंगे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया है, प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है, तो ये बन गई है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो जापान की है, जापान की नाओमी ओसाका सेरिया विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। पिछले वर्ष इनकी कमाई थी 37.4 मिलियन डॉलर की, इन्होंने कमाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है, तो ये नियुक्ति की गई है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये नियुक्ति की गई है। बैंक ने उनकी क्षमता का उपयोग जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए भी वो करेगा।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर कौन से स्थान पर पहुंच गया। मतलब कि इसमें मेनली दो क्वेश्चन सम्मिलित हैं कि कौन से इंडिया कौन से पोजीशन पे है मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में। तो इंडिया है 132वें स्थान पे, 132वें स्थान पे। तो उकला स्पीड टेस्ट एक एजेंसी है, उन्होंने किया, उन्होंने रिपोर्ट दी कि भारत जो है पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर 132वें स्थान पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर 88.01 Mbps की सबसे अधिक स्पीड के साथ दक्षिण कोरिया सबसे पहले स्थान पे है। तो फर्स्ट पोजीशन भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी कि इंडिया की पोजीशन है 132 और दक्षिण कोरिया की जो पोजीशन है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट, दुनिया में पीपीई किट का फुल फॉर्म होता है पर्सनल पोर्टेबल इक्विपमेंट किट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पर्सनल पोर्टेबल इक्विपमेंट किट, जो कि डॉक्टर पहनते हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं कोविड-19 से बचने के लिए किट पहनते हैं, जिसमें ग्लव्स आते हैं, जिसमें शूज़ आते हैं, ऊपर का कवर आता है, जो आपने टीवी में काफ़ी देखा होगा नर्सेस को पहनते हुए डॉक्टरों को, तो वही होती है पीपीई किट। बनाने में भारत का यहाँ कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान यहाँ बताना है, तो यहाँ भारत का स्थान है सेकेंड। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारत का दूसरा स्थान है, वर्तमान में हर दिन लगभग 2.06 लाख पीपीई किट का निर्माण हो रहा है और चीन यहाँ प्रथम स्थान पे है और सेकंड इंडिया है। वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि दिल्ली से सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के किस राज्य की पहल खुडौल KHUDOL, ये पूरा आपको एज इट नाम याद रखना पड़ेगा, को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये क्वाड जो है वो ये किस राज्य का है, तो ये है मणिपुर राज्य का। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो क्वाड एक एनजीओ की पहल है, एनजीओ का नाम है या ऑल, ये एनजीओ का नाम है, और इसके तहत LGBTQ समुदाय के लोगों, दैनिक वेतन भोगी जो होते हैं और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो इस योजना के तहत, और मणिपुर जो है वो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक समावेशी सुरक्षित स्थान भी बन रहा है। भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितनी बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया। तो ये आप याद रखेंगे, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि बलबीर सिंह सीनियर कौन थे। तो ये हॉकी खिलाड़ी थे, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे और इनका निधन हुआ 25 मई 2020 को। इन्होंने कितनी बार हॉकी खेला था, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, तो इन्होंने 3 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, मतलब इनके साथ और टीम, पूरी टीम ने। तो बलबीर सिंह सीनियर भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता के सदस्य रहे। वे लंदन हेलसिंकी एयर भी दे रखा है, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसे याद रखेंगे। और मेलबर्न ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। बलबीर सिंह सीनियर को साल 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत का कप्तान बनाया गया था और भारत सरकार ने साल 1957 में बलबीर सिंह को पद्मश्री से भी सम्मानित किया था और साल 1975 में विश्व कप विजेता टीम के मैनेजर भी थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे, तो इनके बारे में हर एक चीज़ जो बारीकी से मैंने आपको यहाँ दी है वो लर्न करनी है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है केनरा बैंक ने। केनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को केनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन मुहैया कराएंगे ताकि उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके। इससे वे अपनी जरूरी बकाया बिल या किराए का भुगतान कर सकेंगे। या बाकी खबरें पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम हैं उनके लिए लोन जारी किया गया है केनरा बैंक के द्वारा। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है
आंध्र प्रदेश की सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये कार्यक्रम जो है 98,000 इकाइयों को लाभ होने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है, तो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। MSMEs का मतलब है सूक्ष्म और लघु उद्योग। इसके पुनरुत्थान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 400 करोड़ रुपए की पहली जो किस्त है वो जारी करते हुए सूक्ष्म लघु उद्योग सेक्टर के फर्मों को कम ब्याज दर पे इनपुट पूंजी प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा, इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्वेश्चन बनते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्य WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये आप याद रखेंगे कि अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन का कार्यभार किसने ग्रहण किया है। तो ये किया है केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि दिल्ली से सांसद हैं। तो इन्होंने 34 सदस्य 34 सदस्य जो कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं उनके जो चेयरमैन होने का कार्यभार ग्रहण किया है। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे। हर्षवर्धन को चेयरमैन का कार्यभार नियुक्त करने के लिए 194 देशों के सदस्यों वाली विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के OCI कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी जो है वो दी है केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दी है सरकार ने। स्वदेश आने के इच्छुक कार्ड धारकों के लिए कुछ श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंध में ढील देने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ कर दिया गया है? तो सबसे बहुत ज्यादा बढ़ाया ये बजट, तो ये बढ़ाया चीन की सरकार ने। इन्होंने रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 177.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया, जो भारत की रक्षा बजट से 3 गुना अधिक है। तो ये मेन खबर है यहाँ पर कि भारत की रक्षा बजट से चीन का रक्षा बजट 3 गुना अधिक है। नेक्स्ट, 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाएगा, फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट डे मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा अर्जेंटीना में। डिटेल देख लेते हैं, तो 25 मई को पहला राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस को पहली बार अर्जेंटीना में 25 मई 1810 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान के पास दुर्लभ पाम पाम का वृक्ष होता है एक, ये कहाँ रोपित किया गया है? जो अंडमान पे ही मिलता है वो कहाँ पे, वहां से उठा के कहाँ पर दोबारा प्लांट किया गया है? तो वो किया गया है केरल में। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो दक्षिण अंडमान में पाए जाने वाले दुर्लभ पाम केरल के पालोड में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सौजन्य से रोपित किया जा रहा है। तो ये पाम कहाँ मिलता है? दक्षिण अंडमान में, और इसे जो हम प्लांट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं केरल में। तो पहला सवाल, स्वास्थ्य मंत्रालय के नए ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजेश भूषण। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण कर रहे हैं। इस समिति में 11 सदस्य हैं, जिसमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी निम्न में से किसने दी है, कौन से राज्य ने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम, मिजोरम ने दी है। तो खेलों को उद्योगों का दर्जा देने की मंजूरी मिजोरम ने दी है। इससे पहले खेल और इनके बुनियादी ढांचे के लिए निजी और सरकारी स्रोतों से सब्सिडी, ऋण और सहायता की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। वर्तमान में मुख्यमंत्री जो मिजोरम के हैं वो है पुर जोरम थांगा, और राज्यपाल है एस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, FLO मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है जानवी फूकन ने। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं,
तो उन्होंने एफएलओ के 37वें अध्यक्ष के रूप में ये कार्यभार संभाला है। एफएलओ मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, ये आप याद रखेंगे फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल खिलाड़ी आर्टीज अंदुरीज ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वो किस देश के खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ये, तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, इन्होंने स्पेन के लिए 13 कप जीते हैं, कैप ने कप आएगा, 13 कप जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो ये किया है चाइना ने, मतलब चीन ने। चीन ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। AR-500C नाम के इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने विकसित किया है। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर देश के दक्षिण पश्चिम इलाके भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किए जा सकते हैं, और यह 5,000 मीटर की ऊँचाई से उड़ान भरकर 6,700 मीटर तक की ऊँचाई पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत आदित्य सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? तो ये किया है तमिलनाडु की सरकार ने। तो इसके बारे में पूरा आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों में स्थायी विराम का उपयोग किसानों के द्वारा इस तरह अभिनव तैयारी में लग रहा है, मतलब ये जो है ये हम कृषि को बढ़ाने के लिए इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, ये आप लोगों के लिए दिया गया है। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में प्रतिदिन 21 लाख लोगों को महात्मा गांधी मतलब मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है, और पिछले साल के मुकाबले ये 10 लाख ज़्यादा है। हाल ही में किस देश की टेनिस जो स्टार हैं जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है हमारे अमेरिका के टेनिस स्टार। इनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि अमेरिका के हैं ये टेनिस खिलाड़ी हैं, जेमी हैम्पटन हैं, और ये इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। ये मेन मेन इसके पॉइंट्स हैं। निम्नलिखित में से विनायक दामोदर सावरकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो इनकी जयंती मनाई जाती है 28 मई को। विनायक दामोदर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 28 मई 1883 में तथा मृत्यु हुई थी 26 फरवरी 1966 को 82 वर्ष की उम्र में। तो ये आप याद रख सकते हैं, जन्म तो एटलीस्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की वायुसेना ने फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन अपनी सेना में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है भारत ने, इंडिया ने शामिल कर लिया है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा चौथी पीढ़ी का सुपरसोनिक विमान है। तो आप लोग ये याद रखेंगे, फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन LCA एक विमान है सुपरसोनिक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारतीय सीमा समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है AK सीकरी ने। ये जो AK सीकरी हैं ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हैं, और ये जो केंद्र है ये पूर्ण रूप से पेपरलेस है, इसमें सारा काम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। इसके अलावा केंद्र ई वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करेगा। वर्तमान के IDRC जो अध्यक्ष हैं वो हैं मेहर एस राठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित ब्रीथेबल PPE किट, ये होगा यहाँ पर पर्सनल पोर्टेबल इक्विपमेंट किट का क्या नाम रखा गया है? जो भारतीय नौसेना द्वारा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होगा, प्रोटेक्शन जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाए गए हैं उसका ये किट का नाम है। तो भारतीय नौसेना ने विकसित किया है, इसका नाम है हमारा नवरक्षक। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किट COVID-19 महामारी से लड़ाई का काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, और ये किट बहुस्तरीय बनी किटों की अपेक्षा काफ़ी आरामदायक है।
इस किट के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मचारी गर्मी या सर्दी के रोगियों की 12-12 घंटे तक आसानी से इलाज कर सकेंगे। नेक्स्ट, इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज ये दे रही हूँ मैं कि वर्तमान में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह है, तो आप ये याद रखें। WHO ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है इंडियन ओलंपिक कमेटी के साथ, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ ही समझौता किया है। और इसके अलावा COVID-19 से लड़ने की इन लोगों ने एक टीम भी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारतीय सेना की अधिकारी कौन से अधिकारी को UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो ये घोषणा की गई है सुमन गावनी के लिए। ये दक्षिण सूडान में तैनात रही थी और भारतीय सेना की अधिकारी हैं ये। इनको हाल ही में UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और ये आप याद रखेंगे, सुमन गावनी इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मानव युक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा प्रशिक्षण लेना शुरू किया है अभी, तो COVID-19 की वजह से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम मतलब रुक गया था, तो अब ये दोबारा शुरू हुआ है, तो ये हुआ है 4 यात्रियों के लिए। पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस से दोबारा प्रशिक्षण लेना शुरू किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस हाईकोर्ट ने विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर संयंत्र से गैस के लीक घटना होने के बाद LG पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह सीज करने का आदेश दे दिया है, तो ये दिया है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने। तो हाईकोर्ट में विशाखापट्टनम के LG जो है पॉलीमर संयंत्र के गैस लीक घटना होने के बाद LG पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह सीज करने का आदेश दिया है। इस LG पॉलीमर संयंत्र में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समितियों के अलावा किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना मरीजों पर किस बीमारी की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का परीक्षण करने पर रोक लगा दी है, तो हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो दवा है वो मलेरिया की दवा है और कोरोना को इसके प्रशिक्षण पर विश्व बैंक ने रोक लगा दी है। WHO ने दवाइयों के ट्रायल में शामिल लोगों के डाटा और परीक्षण करने वाले बोर्ड की समीक्षा के बाद HCQ का परीक्षण अस्थायी रूप से बंद करने का यहाँ पर फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार धाम की यात्रा को सुखद बनाने के लिए किस राज्य में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है, तो ये बनाई है उत्तराखंड राज्य ने, क्योंकि जो यात्रा है चार धाम की ये उत्तराखंड राज्य से ही भी होके जाती है, तो इन्होंने चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है। इस सुरंग से जो चार धाम की परियोजना है उसको बढ़ावा मिलेगा और इस सुरंग का कार्य जल्द ही पूरा होने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेसबुक ने हाल ही में कौन सा नया वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है कैचअप। इसका ऑप्शन पे किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जी, इसका आंसर है कैचअप। कैचअप लॉन्च किया उन्होंने, जो बिना फेसबुक अकाउंट के काम करेगा और ये एक ऐप के में एक साथ 8 यूज़र वीडियो कॉलिंग इसमें कर पाएंगे। और ये आपको ये भी बता देगा कि यूज़र जो है वीडियो कॉल के लिए उपलब्ध है भी या नहीं उपलब्ध है। तो फेसबुक ने ये नया वीडियो कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेब्यू वनडे में हैट्रिक विकेट किस देश की टीम के तेज गेंदबाज शेहान मधुशनका को बोर्ड ने निलंबित कर दिया है, तो ये जो है शेहान मधुशनका ये है श्रीलंका क्रिकेट टीम के। इनको ड्रग्स के आरोप में हिरासत में लिए जाने पर बोर्ड ने निलंबित कर दिया है और बोर्ड ने उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से बैन करने का भी फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश को हाल ही में $60 लाख की मदद देने की घोषणा की है, तो ये जो अमेरिका ने घोषणा की है ये की है पाकिस्तान देश के लिए। पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने $60 लाख देने की घोषणा की है। इस धनराशि से स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण दिया जाएगा और अस्पतालों में कोरोना वायरस
संक्रमण की गंभीर हालत वाले मरीजों की देखभाल भी की जाएगी। होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और क्या चीज़ें देखनी है और मैं अपने वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।